तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्योंकि फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम कैलकुलेशन को पढ़ेंगे आज इस क्लास में। मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब क्या है, पहले चीज को समझिए कि जरूरत क्यों है। एक कोई फॉर्मूला का लिस्ट नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक ट्रिक्स है। जैसे कि यहाँ पे 20 लिखा और यहाँ पे हमने 30 लिखा, अगर हम इसको इक्वल टू सम करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका 50 होता है, राइट सर। लेकिन इसको हम ऐसे भी सम कर सकते हैं कि 20 प्लस 30 और रिजल्ट 50 आएगा। अब दोनों में अंतर क्या है समझिए। ये जो कैलकुलेशन है ये हमारा इनबिल्ड फॉर्मूला से है, मतलब कि एक्सेल की बनी बनी फॉर्मूला है, हमने सेलेक्ट किया और रेफरेंस दिया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन होते हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर है आपके प्लस माइनस, प्लस ये आपके डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड पावर। तो इनकी मदद से आप अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। अब इसके बाद क्यों हम करें, क्या जरूरत है। देखिए आपके पास एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हर फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, राइट सर। ऐसी कुछ कैलकुलेशन होगी जिसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल ही नहीं है। अगर फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उस कैलकुलेशन को आप अगर नोट पैड के ऊपर कर सकते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पे कि क्वार्टर वन है एंड क्वार्टर टू है, तो क्वार्टर वन की सेल मान लीजिए आपकी 50 है और क्वार्टर टू की सेल 60 है, एंड मैं चाहता हूं ग्रोथ निकालना। तो ग्रोथ कैसे निकलेगा, चलिए तो उसके लिए आपको ग्रोथ का फॉर्मूला समझना होगा कि ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्रोथ का फॉर्मूला होता है कि क्वार्टर लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, तो ये आप क्वार्टर वन होगा यहाँ पे वन, ठीक है, डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ग्रोथ निकाल। अब इसी फॉर्मूले को मैं अपने एक्सेल सीट पे इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो यहां भी क्या करेंगे हम, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। अब रिजल्ट सही आएगा इशाद जी? हाँ जी सर, आना तो चाहिए, रिजल्ट से आना चाहिए। बिल्कुल सच में आपकी मैथमेटिक्स वीक है सर। हमने यहाँ पे बोर्ड मास मेथड इस्तेमाल किया ही नहीं, तो कैसे आएगा ये, क्या करेगा बोर्ड मास मेथड, क्या करता है पहले डिवाइड करता है ना, ब्रैकेट ओपन करता है फिर डिवाइड करता है, पहले ब्रैकेट ओपन करता है फिर डिवाइड करता है, देन माइनस करता है, देन एडिशन करता है। तो यहाँ पे समझे, अब रिजल्ट सही आएगा। अगर उस समय नहीं करते तो रिजल्ट हमारा गलत आता। तो याद रखिएगा ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिएगा कैलकुलेशंस में, रिजल्ट आ गया सर। अब मनोज जी सोच रहे होंगे, वो हमेशा सोचते हैं, सोच रहे होंगे कि सर ये तो फुद्दू सा चीज है, ये कौन से तोप है सर। तो चलिए अगली एग्जांपल की बात करते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि मेरे पास प्रिंसिपल, एक और कैलकुलेशन बताता हूं, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, अब मुझे यहां पे अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल 50,000 है, रेट मान लीजिए 8% है, टाइम मान लीजिए 3 साल है, तो मुझे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए। अब अमाउंट के लिए फॉर्मूला होगा पर मुझे पता नहीं या मुझे ट्रस्ट नहीं, क्योंकि हम मैथमेटिक के जरिए करते हैं, अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय
वन प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई अब एन क्या है नंबर पर मिनट की क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का काम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपका इंटरेस्ट आपके कैपिटल में ऐड हो जाता है दैट कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है सर। तो अब मैं चाहता हूं इसकी कैलकुलेशन करना तो अब प्रॉब्लम यहां पे एक आती है कि इसमें दिक्कत हो सकता है कहीं पे ब्रैकेट वगैरह छूट जाए जिसको हम टुकड़ों में करते हैं हम सबसे पहले करते हैं कि r डिवाइड बाई n मतलब कि 12 उसके बाद इस पे प्लस कर दिया हुआ तो 1 r डिवाइड बाई n हो गया देन t मल्टीप्लाई बाय n मतलब कि 12 और फिर दोनों का पावर निकाल लिया पावर के लिए सिंबल यूज किया जाता है पावर आ गया और फिर इसको p से मल्टीप्लीकेशन कर दिए ठीक है सर। इसके पी के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दिया गया और रिजल्ट आपके सामने सिंपल सा हमने यहाँ देखिए हमने सबसे पहले किया ये हमने किया r डिवाइड बाई n तो हमने r क्या है 8% डिवाइड बाई 12 कर दिया n मतलब कि 12 है यहाँ पे मंथली है ना इसलिए 12 है क्वार्टरली होता तो 4 होता है ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्योंकि ये जो रेट है हमारा ईयरली है ना इसलिए इसको डिवाइड करके मंथली बनाया गया रेट को फिर हमने इसमें 1 प्लस कर दिया क्योंकि 1 प्लस r डिवाइड बाई n है फिर हमने क्या किया t मल्टीप्लाई बाई n यहाँ देखा t मल्टीप्लाई बाई n तो इसको टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास a है आपका 1 प्लस r डिवाइड बाई n a हमारे पास है t मल्टीप्लाई बाई n दोनों का हमने पावर निकाल लिया तो पावर हमारे सामने निकल गया अगर पावर आ गई तो पूरे को हमें मल्टीप्लाई करना है p से तो पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया p से रिजल्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे क्या है कि दिक्कत कि हम ये रिजल्ट हम अलग अलग लगाया मुझे इस रिजल्ट को एक सेल में लगाना था तो उसके लिए हम कॉपी पेस्ट वाला मेथड अपनाएंगे कि हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ B14 हमारा है तो B14 के जगह पे ब्रैकेट में उसकी फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे उसका लिंक हट जाएगा फिर मैं इसको लेता हूँ C14 को कॉपी किया और जहां C14 का फॉर्मूला है वहां पे गया ब्रैकेट में हम इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे D14 है D14 को उठाया कॉपी किया और जहां पे D14 का फॉर्मूला है वहां पे इसको पेस्ट कर दिया और फिर हम इसको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम वापस इस पे जाते हैं E14 और E14 के जगह पे E14 का फॉर्मूला पेस्ट कर देते किसी से लिंक नहीं है तो कट करते हैं और इसके जगह पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं रिजल्ट आ गया। ओके सर मनोज जी साद जी उमेश जी सर ओके अब इसमें ये हुआ कि हमने इसको अलग अलग क्यों किया क्योंकि इसमें जो ब्रैकेट्स है क्या होता है कि जब आप बड़ी कैलकुलेशन करते हैं वहां पे अगर अलग अलग आपके ब्रैकेट्स हैं और आपने उसका एक साथ लगाने की कोशिश की तो ऐसा चांस हो सकता है कि कोई ब्रैकेट गलत लग जाए या ज्यादा लग जाए या छूट कम लग जाए तो उसमें एरर आ जाएगा दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज है आपने फॉर्मूला लगा लिया उसके बाद कहीं पे एरर है मिस्टेक है तो उसको करेक्शन करना थोड़ा सा दिक्कत होता है इसलिए अलग अलग लगाएंगे जहां पे एरर करेक्शन को हम इजीली पकड़ के उसको करेक्ट कर सकते हैं बाद में जब देखेंगे फॉर्मूला इज करेक्ट देन उसको आपस में कंबाइन कर देंगे। लेकिन अगर उमेश जी सोचेंगे सर ये तो मैं ऐसे भी कर सकते थे इतना झगड़ा करने का क्या जरूरत है
तो चलिए उमेश जी के लिए हम बात करते हैं कि हम एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, वो एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है, उससे आपको फॉर्मूला मर्जिंग मेथड एंड कैलकुलेशंस का इस मेथड का इस्तेमाल करना आपको बेनिफिट लगेगा। तो मेरे पास अगला है कॉस्ट। कॉस्ट मान लीजिए 50 रुपीज किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट है, मुझे एमआरपी निकालना है। अब एमआरपी का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एमआरपी कहता है कि भाई एमआरपी का फॉर्मूला कहता है कि मुझे हम मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि अपने प्रोडक्शन कॉस्ट का 5% निकाला और उस 5% को ऐड किया अपने कॉस्ट में और बेच दिया। मतलब कि मैन्युफैक्चरर को 50 रुपए लगते हैं बनाने में, तो उसने 52 रुपए 50 पैसे पे आगे डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि अपने खरीद पे 10% का कमीशन ऐड करता है और बेच देता है होलसेलर को। तो 52 रुपया में डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा और 57 रुपया में बेच दिया किसको, होलसेलर को। होलसेलर क्या करता है कि अपने खरीद पे जो है वो 15% का मार्जिन ऐड करता है और आगे बढ़ा देता है रिटेलर को। रिटेलर क्या करता है कि अपने खरीद का 66 रुपए से खरीद पड़ी उसका वो 20% निकालता है और जो है बेच देता है कस्टमर को। मतलब कि 50 रुपए की मैन्युफैक्चर की गई सामान मार्केट में आते आते 89 रुपए 69 पैसे की हो गई, मतलब कि तकरीबन 80 रुपए की। कैलकुलेशन समझ में आ गया सर? सर आगे एक बार दोबारा रिपीट कर दो। सिंपल है सर, मैं 5% निकाला ऐड कर दिया, 10% निकाला ऐड कर दिया, 15% निकाला ऐड कर दिया, 20% निकाला ऐड कर दिया, ठीक है? ओके। अब क्वेश्चन आता है कि इन सारे फॉर्मूले को मुझे एक सेल में लगाना है, ये पड़ा भी हो सकता है। तो वही फॉर्मूला मर्जिंग मेथड में अपना रहा हूँ, इसको देखिए आप, इसको ध्यान से देखिए कि इस पे आपको अभी होमवर्क भी करने है, कुछ प्रोजेक्ट भी करने हैं। तो आपका C21 के जगह पे E21 का फॉर्मूला में हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने C20 को फॉर्मूला को उठाया, सिलेक्ट किया, कॉपी किया। कॉपी करते समय इक्वल कॉपी मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा C22 है, यहाँ पे क्या है, C22 यहाँ पे है। C22 पे हमने C22 का फॉर्मूला पेस्ट करेंगे, लेकिन इन द ब्रैकेट ओड मास मेथड ब्रैकेट, और यहाँ पे C22 है का फॉर्मूला भी हम इसके जगह पे पेस्ट कर देते हैं। फिर हम C21 का बताते हैं फॉर्मूला, और यहाँ D21 जो है D21 पेस्ट कर देते हैं। अब D22 का फॉर्मूला हम यहाँ पे उठाते हैं, और D22 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें जाते हैं D20 को, पेस्ट कर देते हैं, और नीचे भी T20 है उसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करते करते दौरान आप अपने टोटल को देखते, फॉर्मूला को देखते रहिएगा, रिजल्ट को, कि रिजल्ट चेंज तो नहीं हो रहा है। अगर रिजल्ट चेंज हुआ तो मतलब कि पेस्ट करने में आपने कहीं गड़बड़ की है। अब इसको कॉपी किया और यहाँ E21 है इसके जगह पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसको कॉपी करेंगे और यहाँ E22 है, E22 के जगह पे E22 का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे और यहाँ भी E22 का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। और फिर यहाँ पे E22 को कॉपी करेंगे और जहाँ 21 हमारा ये है उसको पेस्ट, रिजल्ट हो गया। और इसको कट कीजिए, कट कॉपी मत कीजिए, बना फॉर्मूला इंक्रीज हो जाएगा, कट कीजिए पेस्ट। अब मनोज जी, ईशाद जी और उदय जी, क्या लगता है इतना बड़ा फॉर्मूला आप खुद से मैनुअल लगा सकते थे, मेरा अगर मेरे इस मेथड को यूज ना करे तो? नहीं सर। मनोज जी आप लगा सकते हैं? नहीं सर। उदय जी,
जो तरीका मैंने बताया मैंने कहीं से नकल नहीं किया हुआ है, कहीं से सीखा हुआ नहीं है, ये मेरा खुद की फॉर्मूला, मैं खुद का आविष्कार है बोलिए सर। ठीक है सर, और कहीं से अगर कहीं पे इसका यूज होता है तो उसने मेरा नकल किया, क्योंकि इसको मैंने 2006 या 2007 में मैंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली अब इसका बेनिफिट ये तो आपने यहाँ बोले सर, ऐसी कैलकुलेशन तो करनी नहीं पड़ती है, लेकिन आगे चल के जैसे कि इफ फॉर्मूले में तस्वीर कंडीशंस, वी लुकअप में इफ एरर, वी लुकअप में मैच, मैच में इंडेक्स, ऑफसेट में इंडेक्स मैच, वेज लुकअप में मैच, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले को कॉम्प्लिकेट करना होगा ना सर आपको, तो वहां मेथड आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि वहां पे ब्रैकेट में दिक्कत होगी, फॉर्मूले को अलग अलग लगाइए और फिर आपस में उसको मर्ज कर दिए। राइट सर, ब्रैकेट वगैरह का झंझट जो है आपको समझने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। ये है दूसरी चीज है जिससे मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑफिस करते हैं तो ऑफिस में समय आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई और उसकी उसके लिए कोई फॉर्मूला आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप अपने बॉस से बोलिए कि बॉस इस कैलकुलेशन को मैनुअल कैसे करेंगे, एक पेज लेके जाइए, पेन लेके जाइए, बोलिए सर। वो क्या करेंगे, उसकी मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे, उस कैलकुलेशन वाले स्टेप को फॉर्मूले को उठाइए और एक्सेल में डाल कर और फॉर्मूला बना दीजिए। आगे चल के इसको फॉर्मूला सिंपलाइजेशन में नेमिंग मेथड के जरिए आप इजी करना, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इजी करना भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन वो आगे की क्लास में सिखाएंगे। ओके ओके सर, अब ये हमारा हो गया मैथमेटिकल ऑपरेटर। इसमें आप होमवर्क नोट कर लीजिए कि आपको मुझे 20 ऐसे फॉर्मूले क्रिएट करना है। अभी मैंने आपको 3 एग्जांपल दिया है ना, आपको 20 एग्जांपल ऐसे मैथमेटिकल, कोई भी आप मैथमेटिक्स की बुक उठाइएगा, अगर बुक नहीं है तो गूगल पे जाके मैथमेटिक्स फॉर्मूला सर्च कीजिएगा और 20 फॉर्मूले को कन्वर्ट कीजिएगा एक्सेल में। राइट ओके, अब अगली बात करते हैं। हमारे सिस्टम में दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है मैथमेटिकल, दूसरा होता है लॉजिकल। लॉजिकल ये होता है इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्यों ही होता है, क्या होता है कि हमें कंडीशन चेक करना होता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज इससे बड़ा है या नहीं है, या है या नहीं है वगैरह वगैरह, तो उसमें इसका यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं, मुझे नंबर्स चेक करने हैं कि क्या ये 50 से बड़े हैं या नहीं है, तो जनरली लोग फॉर्मूला लगा देते हैं इफ का। अगर आपको जस्ट चेक ही करना है कि ये फॉर्मूला है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 50, आपके पास रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आ जाएगा। ठीक है, और इसका काम क्या होता है कि इस ट्रू एंड फॉल्स को कन्वर्ट करना आपके अपने रिजल्ट ओके और पेंडिंग, समझ गए सर। तो लेकिन क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि दो जगह ना लगा के हम लोग एक ही जगह पे लगा देते हैं कि दैट इज टी, तो यहाँ पे ओके अदरवाइज राइट सर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हमने लेगेस देन लेटर देन लगाया इफ का पार्ट नहीं, ये इक्वल है, यहाँ पे हमने मर्ज किया है राइट सर। तो आप स्वतंत्र है कहीं भी इस कोड को लगाने के लिए, लेकिन रिजल्ट आएगा ट्रू, अगर कंडीशन मैच किया तो ट्रू, अगर मैच नहीं किया तो फॉल्स। अब इसे और समझ लीजिएगा, जो ट्रू है वो 1 है, ट्रू को सिस्टम 1 समझता है और फॉल्स सिस्टम 0 समझता है। अब इसको साबित करने के लिए ट्रू प्लस फॉल्स को ऐड कर दीजिए तो रिजल्ट 1 आया, अगर मैं 2 ट्रू कर दिया तो 2 आएगा, 1 ट्रू किया तो 1 आएगा। राइट सर,
ट्रू एंड फॉल्स है। अब इफ क्या है, देखिए इफ ये है कि आपकी ट्रू एंड फॉल्स को चेक करता है, अगर रिजल्ट ट्रू आया तो एक एक ट्रू पार्ट का रिजल्ट शो करता है, मतलब कि आपके पास दो रिजल्ट शो करने का ऑप्शंस है। अगर पहले रिजल्ट शो होती है तो मैंने कि यहाँ पे सिंपल सा देखिए ना सर, हाँ कि यहाँ पे लॉजिकल फैक्ट में, लॉजिकल फैक्ट जो आता है ना, लॉजिकल टेस्ट सॉरी, लॉजिकल टेस्ट में अगर ट्रू हुआ तो इस पहले वाले पोजीशन का रिजल्ट शो करेगा, नहीं तो दूसरा पोजीशन का रिजल्ट चेक करेगा। ठीक है, जैसे घरों में होता है ना कि चेंजर होता है, लाइट पे चलानी है तो बिजली अभी चेंजर को लाइट की तरफ घुमा दीजिए, लाइट सप्लाई होगा, जनरेटर लगाया तो जनरेटर की तरफ घुमा दीजिए, जनरेटर सप्लाई होगा। तो वही हुआ सर, ये लाइट हो गया, जनरेटर हो गया। तो इसमें आप जो है, अब इसमें जो है कि अपना लॉजिकल टेस्ट दीजिए या फिर ट्रू एंड फॉल्स दीजिए, तो हम लोग डायरेक्टली जो है कंडीशन यहीं पे लगा देते, अलग नहीं करते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट ट्रू होना चाहिए तो ये चाहिए, और फॉल्स चाहिए तो ये चाहिए, इस तरह से लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि लॉजिकल इफ ट्रू एंड लॉजिकल इफ फॉल्स को बड़ी ब्रैकेट में रखा गया है, और लॉजिकल टेस्ट को ऐसे ही। देखिए कोई भी फॉर्मूला, आगे हम इनबिल्ट फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी फॉर्मूला, चाहे वीलुकअप ही क्यों ना हो, यहाँ देखिएगा कि जिसमें बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है, या स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए इसको, मतलब कि जो फॉर्मूले होते हैं उसके इनपुट दो तरीके के होते हैं, रिक्वायर एंड ऑप्शनल। अब जैसे इफ फॉर्मूला में लॉजिकल टेस्ट हमारा रिक्वायर है, तो लॉजिकल टेस्ट बगैर दिए हम फॉर्मूला से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमें देना ही पड़ेगा। अगर मैं लॉजिकल टेस्ट दे दिया, कॉमा लगा दिया, तो अब मैं बाहर आ सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद सारे ऑप्शनल है, डाले तो ठीक है, ना डाले तो भी ठीक है, रिजल्ट उसी अकॉर्डिंग आएगा। तो इसका ध्यान आप लोग रखिएगा आगे के फॉर्मूले में। तो आप जो है अगली क्लास में हमारी इफ कंडीशन की क्लास होगी, ठीक है सर। तो अभी आप जो है मुझे दो चीजों पे, एक तो मैथमेटिकल की जो कैलकुलेशन से इस पे प्रैक्टिस करके, इस पे प्रैक्टिस करके रिजल्ट दीजिए, और दूसरा इफ फॉर्मूले के ऊपर एक दो एग्जांपल दीजिए, क्योंकि अगली क्लास आपकी इफ की है और मुझे देखना है कि आपके पास इफ का कितना नॉलेज पहले से है, क्योंकि इफ फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि अगर एक्सेल से मैंने इफ फॉर्मूला हटा दी जाए तो एक्सेल की इंपोर्टेंस जो है 60-70% कम जाता है, समझ गया सर। कि अगर ये एक सिंपल सा फॉर्मूला इफ को हटा दिया जाता है तो एक्सेल के यूजेज में 70% का गिरावट हो जाएगा, इसलिए समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट सर। तो आप इफ फॉर्मूले को मतलब कि एकदम कंप्लीट वे में पढ़िएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, जितना हो सके इस पे प्रैक्टिस, जितना हो सके इस पे रिसर्च कीजिएगा। तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस अभी जो है मुझे इफ फॉर्मूले की दो चार एग्जांपल दे दीजिएगा, और साथ में इसकी 20 एग्जांपल दे दीजिए, एक करके मुझे भेजिए, फिर कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इफ फॉर्मूला। अगली 4-5 क्लासेस आपकी जो है इफ फॉर्मूला पे ही चलेगी, इफ में इफ है, इफ एंड है, और है, नेस्टेड इफ है, स्लैब इफ है, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम। ओके सर।